अबाउट डिफरेंसिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस. ठीक है, यस्टरडे वी डिड द डिफरेंसिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एंड आज हम पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस की डिफरेंसिएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्प्लिसिट फंक्शन जो होता है वो होता कौन सा है? इम्प्लिसिट फंक्शन एक फंक्शन होता है एक्स एंड वाई का, ठीक है, जिसमें से हम y की वैल्यू को एज इट इज अलग नहीं कर सकते. वी कैन नॉट फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x. ठीक है, x के टर्म्स में y की वैल्यू निकालना बहुत ही मुश्किल होता, नहीं निकाल सकते. फॉर एग्जाम्पल, x की पावर 4, y की पावर 4, माइनस 2xy एंड माइनस 6 इक्वल टू 0. फॉर एग्जाम्पल, ये आपका फंक्शन है. ठीक है, तो इस फंक्शन में से आप y की वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल सा है, और हमें क्या निकालना है? इन फंक्शंस का dy by dx. बट हम इन फंक्शंस का dy by dx निकाल सकते हैं, तो वो देखते हैं हम कैसे करेंगे. ठीक है, आई थिंक इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. मूविंग ऑन डायरेक्टली टू द क्वेश्चन पार्ट, क्योंकि उसी से ज्यादा क्लियर होने वाला है ये. x की पावर 4, y की पावर 4, 4xy माइनस 100 इज 0. ये आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड वाई. ठीक है, हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का ये फंक्शन है हमारा, हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं. ठीक है, डिफरेंशिएट इट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. x 4 का करेंगे तो 4x क्यूब आ जाएगा. ठीक है, dx by dx वो 1 होता है हमारा. उसके बाद जब हम y 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4y क्यूब. अब जो y है उसका क्या हो जाएगा, dy by dx. ठीक है, उसके बाद 4xy का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, 4 और बाहर निकाल लिया मैंने 4 को, कॉमन ले लिया, d by dx ऑफ x इंटू वाई. इसका हम करेंगे प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग. एंड माइनस 100 एक कांस्टेंट टर्म है, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करती हूँ तो वो 0 आता है. ठीक है, तो हेयर यू आर गेटिंग 4x क्यूब 4y क्यूब dy by dx प्लस 4 एज इट इज. अब x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन तो वो हो जाएगा dy by dx प्लस y एज इट इज, जो सेकेंड नंबर है वो एज इट इज, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मतलब वो 1 हो जाएगा, इक्वल टू में 0. इसको खोल लेते हैं, 4x क्यूब 4y क्यूब dy by dx एंड हेयर आई एम गेटिंग 4x dy by dx प्लस 4y इज 0. अब इन दोनों टर्म्स में से dy by dx की वैल्यू कॉमन, dy by dx कॉमन ले लेते हैं, क्या बच रहा है मेरे पास, 4y क्यूब प्लस 4x. ठीक है, इक्वल टू में ये जो 4x क्यूब है और 4y है उसको RHS में लेके जा रही हूँ, माइनस का 4x क्यूब माइनस का 4y. ठीक है, इसके बाद इस टर्म को डिनोमिनेटर में लेके जा रही हूँ, तो dy by dx ये आ जाएगा हमारा, ऊपर से मैं माइनस 4 कॉमन ले रही हूँ फ्रॉम द न्यूमिरेटर, एंड डिनोमिनेटर में से भी मैं 4 कॉमन ले रही हूँ, y क्यूब प्लस एक्स, 4 से 4 कैंसिल हो गया एंड बाकी आपका आंसर आ चुका है माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई एंड y क्यूब प्लस एक्स, पूरे के आगे ये माइनस का साइन है, दिस इज योर आंसर. ठीक है, तो ये dy by dx की वैल्यू आ चुकी है. तो दिस इज हाउ वी सॉल्व द डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस. और क्वेश्चंस करते हैं इसके. क्वेश्चन टू इज फाइंड dy by dx इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इज x इंटू वाई, और हमें dy by dx निकालना है. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, dy by dx निकालना है तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे. अब ये हमारा एक फंक्शन है, इसका स्क्वायर है तो ट्वाइस ऑफ ये ऐसे हो जाता है, फिर अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन रह गया हमारा. ठीक है, उसके बाद ऑन द राइट हैंड साइड
ये वही है जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन, y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ये हो गया ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा हमारा 2x, और y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, और जो y है y का dy by dx, ठीक है, x dy by dx plus y। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ गया 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 2x प्लस 2y dy by dx, ये एज इट इज चल रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 4x क्यूब एंड 4x स्क्वायर y dy by dx, इसके बाद ये आ जाएगा 4x y स्क्वायर एंड 4y क्यूब dy by dx इज इक्वल टू x dy by dx प्लस y। अब इसके बाद इजी सा स्टेप रह जाता है, ये जो dy by dx की टर्म्स हैं इनको इकट्ठा करके dy by dx को कॉमन ले लिया जाए, तो dy by dx को मैं कॉमन ले रही हूँ, आई एम गेटिंग 4x स्क्वायर y प्लस 4y क्यूब, इसको माइनस में लेके आ रहे हैं तो माइनस x हो जाएगा, y यहीं पे है, ये वाला उधर जा रहा है और ये वाली टर्म भी ऑन द RHS, माइनस 4x y स्क्वायर एंड माइनस का 4x क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, जस्ट इस वाले पार्ट को आपको डिनोमिनेटर में लेके जाना है एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ dy by dx, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, जस्ट इसको डिनोमिनेटर में लेके जाना है। तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करा रही हूँ, ये है आपका साइन y इज इक्वल टू x साइन ऑफ ए प्लस वाई, इसमें हम वाई की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे बट एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी साइन वाई बाय साइन ऑफ ए प्लस वाई दैट इज एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना dx बाय dy निकाल लेंगे, dx बाय dy y की टर्म्स में है ना ये फंक्शन हमारा, तो वी विल डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू y, जब dx by dy आ जाएगा तो उसका उल्टा रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। अब dy इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो इधर तो आ जाएगा हमारा dx by dy, ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वोशेंट रूल लगाएंगे, क्वोशेंट रूल में क्या होता है, हमारा डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन y, वो क्या हो जाएगा हमारा cos y, उसके बाद माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज साइन y एज इट इज हो गया, अब इस डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन करना है वो हो जाएगा cos of a प्लस वाई, और a प्लस वाई का डिफ्रेंसिएशन 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन a माइनस b अपॉन में साइन, तो यहां से हमने क्या देखा, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए एंड साइन बी, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा साइन ए माइनस बी का, ठीक है, वाई एंड वाई कैंसिल, तो यहाँ पे आ रहा है आपके पास साइन ए बाय में साइन ए प्लस वाई, और ये जो स्क्वायर है ना इसको ऐसे लगाना है पूरे में, साइन ए प्लस वाई का स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर ये आ जाएगा आपका साइन ए बाय में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है, थीटा का स्क्वायर नहीं होता वो साइन का स्क्वायर होता है, एंड हेयर यू आर गेटिंग dx बाय dy, ये dx बाय dy आया, अब मुझे क्या चाहिए इसका, dy बाय dx रेसिप्रोकल करेंगे तो dy बाय dx आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय में साइन, दिस इज द आंसर, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ये जो फंक्शन था इसमें मैंने x की वैल्यू निकाल के उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, dx by dy निकाला है और इसमें क्वोशेंट रूल लगाया था, dx by y dy आने के बाद उसका रेसिप्रोकल कर दिया dy by dx, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा e रेज़ टू पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये हमें दिया हुआ है, शो दैट, मतलब हमें निकालनी है वैल्यू dy बाय dx की, और ये वैल्यू आनी चाहिए e रेज़ टू पावर y, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये y dy बाय dx की वैल्यू चाहिए, तो इस फंक्शन को हम x के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dy बाय dx को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या होएगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकेंड फंक्शन, इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d बाय dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड d बाय dx ऑफ फर्स्ट, और वन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। अब e रेज टू पावर y एज इट इज, x प्लस वन का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, वन का तो जीरो हो गया, तो वन आ गया हमारा। फिर x प्लस वन एज इट इज, e रेज टू पावर y का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर y, और y का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, दिस इज अ फंक्शन ऑफ y ना, तो dy बाय dx इज जीरो, ठीक है। अब ये देखिए e रेज टू पावर y इंटू x प्लस वन, ये किसके बराबर था, वन के, इसको मैं वन लिख सकती हूँ, ठीक है। नाउ यहां से dy बाय dx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस e रेज टू पावर y, ये पॉजिटिव था, इधर जाके नेगेटिव हो गया, माइनस e रेज टू पावर y, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये आपका पेपर में आ चुका है, इसीलिए कराया था। एक क्वेश्चन और, इफ x बाय में x माइनस y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बाय में एक्स माइनस वाई एंड प्रूव दैट डीवाई बाय डी एक्स इज टू माइनस एक्स बाय वाई, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो सबसे पहले जो लॉग का कंपोजिट फंक्शन है इसको हम सेपरेट करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि क्या रूल होता है हमारा, लॉग एम बाय एन जो होता है वो लॉग एम माइनस लॉग ऑफ एन के बराबर होता है, तो वो रूल लगा के हमने इसको सेपरेट कर लिया। इसके बाद ये हमारा जो है ये इम्प्लिसिट फंक्शन है एक्स और वाई का। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ क्या लगेगा, हमारा क्वोशेंट रूल लगेगा जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि न्यूमिरेटर बाय डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिरेटर का डिफरेंशिएशन आ गया वन, माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन माइनस वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाय जी एक्स, ठीक है। लॉग ए, लॉग ए का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो माइनस लॉग ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा वन बाय एक्स, उसके बाद एक्स माइनस वाई का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा वन माइनस डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। कैसे आया ये, लॉग ऑफ एक्स लिया तो वो वन बाय एक्स आ गया। अब इस एक्स माइनस वाई का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन वन और वाई का डी वाई बाय में डी एक्स, ठीक है। ये कंप्लीट पोर्शन आ चुका है, जैसे इसको हमें सॉल्व करना है, डीवाई बाय डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहां से देखिए ये एक्स माइनस वाई है, माइनस एक्स इंटू में वन बाय में डीवाई बाय डी एक्स है, इसके बाद ये जो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है ना, ये जीरो हटा देते हैं, इसको मैं ऊपर लेके जा रही हूं, माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स माइनस वाई वन माइनस डीवाई बाय डी एक्स, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसके बाद हम इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, dy बाय dx की टर्म्स को एक साइड ले आएंगे, x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स dy बाय dx, ये तुम्हारा LHS आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू, ये x आएगा तो माइनस एक्स हो गया, फिर आएगा माइनस ऑफ x तो मतलब प्लस हो गया,
dy by dx. फिर y से मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस वाई आएगा, तो इस माइनस के कारण वो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस और एक ये माइनस, तो माइनस आ गया. ठीक है, अब क्या काम रह गया, dy by dx को कंबाइन करो एंड गेट योर आंसर. ये बचा x. ठीक है, जब मैं इसको इधर लेके आऊंगी तो वो माइनस एक्स हो गया, इसको भी इधर लाएंगे तो प्लस वाई हो गया, बाकी माइनस एक्स प्लस वाई, ये वाला आपका कैंसिल हो गया, तो माइनस वाई उधर जाके हो जाएगा प्लस वाई. ठीक है, तो हेयर ये आपका आंसर जो है ये आ चुका है, वाई डिनोमिनेटर में चला जाएगा. तो डी वाई बाय डी एक्स वाई इज इक्वल टू टू वाई माइनस एक्स. ठीक है, इस वाई को डिनोमिनेटर में ले जाइए तो ये कितना आ गया, टू माइनस एक्स बाय वाई. यही हमें प्रूव करना था, दिस इज द आंसर. तो जस्ट हमने क्या किया, पहले लॉग के फंक्शन को सेपरेट कर लिया, इसको m माइनस n की फॉर्म में ले आए एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है. ये जो क्वेश्चन है आपके इंटरेस्ट फंक्शन के, ये सारा मतलब कवर ही हो जाता है इन क्वेश्चन में, आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है इंपॉर्टेंट जो रह जाएगा. x नॉट इक्वल टू y, प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर. ये हमें वैल्यू जीरो के बराबर दी हुई है. ठीक है, और dy बाय dx की वैल्यू ये हमें प्रूव करनी है, बीच में अगर कहीं यूज होएगा तो x नॉट इक्वल टू y दे रखा. ठीक है, क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, अब फर्स्ट टर्म एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन, फिर सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसमें भी ऐसे ही करना है, y एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन, फिर ये एज इट इज और y का डिफरेंशिएशन. ठीक है, कुछ इस तरह से इसको डिफरेंशिएट करके चलेंगे, या फिर इसको ना इधर ले आते हैं पहले और स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर रूट हटाई देते हैं, वो बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इधर जीरो है. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में हो जाएगा एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई, वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स. ओपन करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर एक्स, एक साइड ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स जीरो. इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इसमें से एक्स वाई कॉमन आ गया, x माइनस वाई बच गया, ये x माइनस वाई जो ब्रैकेट है ये सेम दिख रही है, एंड आई एम लेफ्ट विद दिस. ठीक है, अब यहां ये यूज होएगा x नॉट इक्वल टू y आपका. अब ये दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लीकेशन जीरो है, इसका मतलब या तो x माइनस वाई जीरो है, ठीक है, या फिर ये जीरो है. अब ये हमारा जीरो नहीं हो सकता क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू y, तो इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं. ठीक है, हम चलते हैं इसके साथ नेक्स्ट ब्रैकेट, इसका मतलब ये जीरो है हमारा, x माइनस वाई जीरो नहीं है बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू y, इसको छोड़ते हैं. ठीक है, तो इस ब्रैकेट के साथ चलते हैं, इसका मतलब ये जीरो है हमारा, ये तो हमारा नॉट पॉसिबल है, इसको नॉट पॉसिबल लेके छोड़ देते हैं. नाउ इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट यहां पे हमने नहीं किया था, यहां स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया था, अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ये हो जाएगा वन, फिर वाई का डीवाई बाय डी एक्स, एक्स वाई का कैसे करना है हमने पहले भी सीखा था, एक्स एज इट इज वाई का डीवाई बाय डी एक्स, वाई एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन वन इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो ये dy बाय dx कॉमन लेते हैं, क्या बचा, वन प्लस एक्स. ठीक, इसके बाद
यहाँ से सबसे पहले हम ये y जो आ रहा है इसको हम रिमूव करके dy by dx जो है ना हमारा वो x की टर्म्स में है, ये आ गया हमारा माइनस वाई माइनस वन। तो ये जो y है ना इसकी वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। ये जो इक्वेशन है यहाँ से अगर मैं y कॉमन लेती हूँ तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय वन प्लस एक्स। ठीक है, ये पुट करते हैं यहाँ पे। तो x बाय में 1 प्लस एक्स माइनस वन अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा माइनस वन बाय वन प्लस एक्स। ठीक है, ये y की वैल्यू पुट करके ये आ गया। और dy बाय dx क्या आ जाएगा हमारा, 1 प्लस एक्स को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्या किया है। सबसे पहले मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, इधर उधर एक एलएचएस में रखा, एक आरएचएस में रखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड से। ये आ गया एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, इसको डिफ्रेंशिएट किया। तो डिफ्रेंशिएट करके जो हमारा आंसर है ना उससे मैच नहीं कर रहा था, उसमें वाई आ रहा था। ठीक है, y की वैल्यू, ये जो सिंपल सी इक्वेशन आई थी यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि यहाँ से वैल्यू निकल रही है आराम से। ठीक है, तो y की वैल्यू वो पुट कर दी एंड dy by dx का आंसर आ गया। ओके, तो दिस कंप्लीट्स योर डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, बाकी का जो हम है इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन जो रहता है आपका, दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जिन फंक्शंस में पहले लॉग लेना पड़ेगा फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, वो हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।